मैं ये सीखने की कोशिश करूंगा, आप ये समझने की कोशिश करें कि आया ये महीने का हम इस्तकबाल कैसे करें, कैसा हम इसका इस्तकबाल कर सकते हैं और कैसा हम इसका इस्तकबाल करें, यह सीखने की जरूरत है। लोगों एक मिसाल देता हूं, थोड़ा गौर से सुन लेना। मिसाल ये कि तुम्हारे अपने घर मेहमान आने वाला होता है, तुम उसका इस्तकबाल करते हो। मेहमान आने की कैफियत भी अलग अलग होती है। कोई आम रिश्तेदार आ जाए रोजमर्रा से मिलने वाला, रोजाना मिलने वाला, उसका इस्तकबाल तुम अलग तरह से करते हो। कोई अगर दूर दराज से सालों सालों के बाद आने वाला मेहमान हो, उसका इस्तकबाल तुम अलग तरीके से करते हो। एक छोटी मिसाल ये भी दे दूं, तुम्हारे हमारे घर में बहने होंगी, तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए ससुराल वाले आ रहे हैं रिश्ता तय करने के लिए, कैसा प्रतिकबाल इस्तकबाल होगा उनका, कैसे जज्बे के साथ उनका इस्तकबाल होगा, थोड़ा जहनों में रखो। इंसान को मेहमान के आने का मकसद पता होगा तो उस अंदाज में इस्तकबाल होगा। हम में से अक्सर लोग ये जानते ही नहीं कि रमजान आखिर आता क्यों है हमारे पास, क्यों ये मेहमान बनकर साल में एक दफा आता है, इसका मकसद क्या है, क्यों रमजान आता है नहीं जानते और ना तो इसका इस्तकबाल जानते हैं। हम में से कई लोग, हम ये समझते हैं कि कपड़े की दुकान वाला समझता है कि कपड़े के कारोबार के लिए रमजान आता है, टेलर समझता है कि मेरा सीजन है, अब तो दो और कारीगरों को जमा करना पड़ेगा, मशीनों की मरम्मत कराकर बड़ी तेजी से काम करने का महीना आ रहा है। चप्पल बेचने वाला समझता है कि नया स्टॉक लाऊंगा ज्यादा कमाऊंगा, ये महीना आ रहा है। कोई होटल वाला ये समझता है अब तो हरीज की भट्टी लगाने का महीना आ रहा है। औरतें समझती है कि घर में नए बेडशीट बिछा दिए जाए, नए पर्दे डाल दिए जाए, घर को नया कलर करवा दिया जाए और किचन में भर भर कर खाने का सामान ला दिया जाए, ये इसका महीना है। फ्रूट बेचने वाला ये समझता है साल में एक दफा बड़े धड़ाके से फ्रूट बिकता है, बहुत ज्यादा तादाद में लाएंगे फ्रूट, ये फ्रूट बेचने का महीना है। लोगों हमने इसकी कदर नहीं जानी, हमने इसकी कदर नहीं जानी, हमने रमजान का मकसद नहीं जाना कि रमजान आता क्यों है हमारी जिंदगी में। ये चीज सीखने की जरूरत है मेरे भाई, ये चीज जानने की जरूरत है। आज सबसे पहली बात, रमजान आता है तक्वा देने के लिए। अल्लाह सुभानहु व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम तक्वा इख्तियार करने वाले बन जाओ, अल्लाह का खौफ इख्तियार करने वाले बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। ये रमजान है, ये रमजान कपड़े पहनने के लिए नहीं होता, ये खाने का महीना नहीं है मेरे भाई, भूखे रहने का महीना है। ये रमजान नए चप्पल पहनने का महीना नहीं है, ये रमजान घर को रिनोवेट करने का महीना नहीं है, ये रमजान हमें तक्वा देने के लिए आता है। तक्वा, आओ इसका इस्तकबाल हम कैसे करें। इस सिलसिले में सबसे पहली चीज कि अपने आप को, अपनी रूह को जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी, अपने आप को फिजिकली भी, अपने आप को मेंटली भी इस बात के लिए तैयार करिए कि अब रमजान का महीना आ रहा है, अपने काम काज को ऐसे निपटाऊंगा, ऐसे जल्दी जल्दी काम रमजान से पहले निपटाऊंगा ताकि फुर्सत के वक्त रमजान में गुजार कर अल्लाह की इबादत में ज्यादा वक्त लगा सकूं। रमजान का इस्तकबाल यह है,